हे गाइस, आज हम बनाने वाले हैं ब्लूटूथ होम ऑटोमेशन सिस्टम। आप लोगों ने शॉर्ट्स में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, इसीलिए मैं इसका फुल वीडियो ला रहा हूँ। इसका कोड आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। इसके लिए यूज़ करेंगे हम आर्डिनो नैनो का। और HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल का। पर वायर्स आर्डुइनो डाटा केबिल तीन पीस एलईडी यूज करेंगे। आप कोई भी कलर का यूज कर सकते हैं। ब्रेडबोर्ड का यूज करेंगे। इसे बनाने के लिए आप लोगों को एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन का जरूरत पड़ेगा। अब इन कंपोनेंट्स को ब्रेडबोर्ड में लगाना पड़ेगा। अब इस डाटा केबल का एक एंड आर्डुइनो में और दूसरा एंड कंप्यूटर में लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने arduino.h, wire.h एंड software.serial.h लाइब्रेरी का यूज किया है। मैंने वीडियो को पहले ही बोला था इसका कोड आप लोगों को एकदम फ्री मिलेगा, तो कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी चेकआउट कीजिए। अब हम इसे कंपाइल करके आर्डुइनो पे अपलोड कर देंगे। डन अपलोडिंग दिखा रहा है। अब हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल का 5 वोल्ट यानी कि VCC आर्डुइनो के VCC 5 वोल्ट में जुड़ेगा और ब्लूटूथ मॉड्यूल का GND आर्डुइनो में GND में जुड़ेगा। ब्लूटूथ मॉड्यूल का TX आर्डुइनो के RX में और RX आर्डुइनो के TX में जुड़ेगा। के तीन नेगेटिव लेग्स को हम कॉमन करके आर्डुइनो के GND पिन में जोड़ेंगे और पॉजिटिव पिन को हम आर्डुइनो के C2, D3 एंड D4 में जोड़ेंगे। प्ले स्टोर ओपन करके हमें आर्डुइनो ब्लूटूथ कंट्रोल एप्लीकेशन सर्च करना पड़ेगा, तो सर्च कर लेते हैं। अब इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अब जो ये ब्लूटूथ का परमिशन मांग रहा है उसे हम एलो कर देते हैं। अभी ब्लूटूथ को लॉन्ग प्रेस करके मोर सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। वहां पे अवेलेबल डिवाइस पे HC05 मॉड्यूल दिखाएगा।
इसका डिफॉल्ट पासवर्ड है 1234। ऐसे अप्लायंसेस चलाने के लिए हमें रिले मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो हैव ए गुड डे, बाय बाय।